खुद ही होगी कर आए हैं। इन मोदी जी जीत गए, हम लोग के सब कुछ महंगा कह दिए, हम लोग रोटी कह दिए, उतना कोई नहीं गल्ला तो भाई देता है फ्री में ही, तो हम हो लोग कहते कि गल्ला तो देते हैं। ज्योति सपा निकल जाएगी तो ठीक है, गल्ला पौता ही है, सुरक्षित से अपन आदमी है ही बा। 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो हम लोग 5 दिन नहीं खाएंगे। मझवा में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। नामांकन हो चुका है, नामांकन होने के बाद अब प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं। बरकछा कला गांव में हम मौजूद हैं, हमारे साथ आधी आबादी यानी कि महिलाएं मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे ये प्रत्याशी के बारे में क्या सोचती हैं, पार्टी के बारे में क्या सोचती हैं, और इस बार मझवा में चुनाव है, उपचुनाव है, तो उपचुनाव में ये लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगी और क्या इनके मन में विचार हैं, हम इनसे बातचीत करके जानेंगे। अम्मा का नाम है तुम्हारा? मीरा देवी। मीरा देवी, अच्छा आप बताइए, जो है चुनाव हुई वाला बा, काम वाम भइल बा तोरे ओरी? कौन काम भव, नेता बढ़िया लगत है जो काम वाम कुछ करे हो? अब भाई नेता तो हमरे नजर में सभी लोग है, सभी लोग उनकर प्रार्थना निमंत्रण है। कुछ कुछ काम वाम किए कराए बा? काम वाम तो वो मोदी योगी कराए हैं। का कराए हैं? कराए हैं भाई कि थोड़ा मोड़ा घर सर दिए हैं, गली गल्ला पौता ही है, सुरक्षित से अपन आदमी है ही बा। यह हमार लोग का चक्रोड नहीं बना हुआ है, हमारे हाँ हमार लोग का चक्रोड बन जाए हमारे घर। हाँ मतलब जैसे अभी कहा जाती है कि जो है उत्तर प्रदेश में 2-3 नेता बहन, एक मायावती बहन, एक अखिलेश बहन, एक योगी आदित्यनाथ बहन, ये उनका चुनाव हो रहा है, उनकी पार्टी से लोग लड़त है। तो है के मतलब अभी तक ठीक लगा जो काम वाम करे रहा हो अच्छे से? मायावती। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शांति है। आपको कौन लगा बढ़िया काम? हमारा बढ़िया काम मायावती, बढ़िया चाउर गल्ला गेहूँ साग सब्जी सब कुछ सस्ता कह दिन, हम लोग गरीबन के सहायता कह दिए रही। मोदी जी जीत गए, हम लोग के सब कुछ महंगा कह दिन, हम लोग को खा खा के फजीहत होता, लड़कन के पढ़ाई लिखाई महंगाई बटे, साग सब्जी महंगाई बा, हम लोग को खाए पी नहीं पावत है, हम लोग के हर चीज में सुविधा मोदी जी नहीं दिए हैं, हम लोग के हर सुविधा मायावती देते रही। इसे भाभी ये कहा जाता है कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं महीने में फ्री दे रहे हैं। 5 किलो दे रहे हैं तो 5 किलो हम लोग कितना परिवार हैं? क्या 5 किलो हम लोग 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो हम लोग 5 दिन नहीं खाएंगे? 2-4 हम लोग को लड़के बच्चे हैं, सास ससुर दौरान जेठान सब लोग तो एक ही में है, तो सब लोग को दे रहे हैं गल्ला 5 किलो, 5 किलो हम कितने दिन खाएंगे? नहीं चल पा रहा। अच्छा अभी चुनाव है तो इसमें बसपा भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है, तो इस बार क्या रहेगा आपको, क्या रहेगा इस बार, कैसा काम करेंगे आप लोग, किसको ध्यान में रखेंगे? अब किसको ध्यान में रखे, ज्योति भाजपा को सोच रहे हैं, ज्योति भाजपा ज्योति सपा के हैं, ज्योति सपा निकल जाएगी तो ठीक है। काहे मतलब क्या अच्छा लगा उनके अंदर जो है आपको? अब वो गरीबन के जब हम लोग जिता देंगे तो गरीबन के अगर सहायता दे देगी तो बहुत अच्छा काम है। क्या नाम है? हमारा कुसुम नाम बा। केकरे सरकार में सुविधा रहा? मायावती का। क्या सुविधा रहा? ये सुविधा रहा कि विधवा पावत रहन, वो पावत रहन, गल्लो बढ़िया मिलत रहा, साग सब्जी बढ़िया सस्ता रहा, भैया खाए पिए के सब चीज का याद रहा, बस इनके मोदी के राज में बस यही एक सुबतावा कि जो गुंडागिरी करते रहे वो सावधान है, इनके राज में यही बात, और ये गल्ला फ्री फ्री मिला था और हमने कहा जानी और कोई सुविधा नहीं और का सुविधा बा? मोदी जी कहते हैं फ्री में गल्ला दे रहा है 5 किलो का, फ्री में गल्ला दे थे हैं भैया, और जो इतना महंगाई सब चीज करे हैं, अब हमने कहा बताई कि हमने खरीद खाए नहीं पा, गल्ला तो भाई देते हैं फ्री में ही, तो हमने हम हो लोग कहते कि गल्ला तो देते हैं। हाँ फ्री में गल्ला था देखा पावत है जा। अच्छा अब की बार का अभी चुनाव है जो है तो का लगत बा की केकर पलरा भारी रही के चुनाव ना में, केकर पलरा भारी रही के चुनाव ना में मजबूत रहे, का लगत है बाहर का विचार है की केका वोट देबू देखे सब देहिन भैया वही कम हो दे? नहीं आपन समस्या देख के का लगत है? आपा समस्या का समस्या तुम्हारी है बा की जेके सब दुनिया देबो। अच्छा के अच्छा लगा तो नेता? अच्छा नेता हम के बताए रहीन, अखिलेश रहन, योगी हैं, मोदी हैं, तो के अभी तक ठीक लगा? अखिलेश सब ठीक रहें, मोदी ठीक है, हैं मायावती ठीक है। अरे का नाम है? बताओ तो आई बाबू बता देना। मोर भागती
अच्छा का लगत है काम वाम भवा बा योगी जी है कुछ नहीं पाए आवास न पवास कुछ न बना न कुछ न कुछ न परखानी परखाना कुछ नहीं दिए कोई चीज नहीं गलो पता ही बहुत महंगा का अच्छा विधवा विधवा नहीं पावत है अच्छा बहुत दिन से आप वोट देते हैं सबसे ज्यादा दिया वोट आप दिए हुए हैं जितना लोग हैं के नेता अच्छा लगा मायावती अखिलेश योगी मोदी इतना नेता है ना आप लोग बहुत देखें के अच्छा लगा अब आपके के नहीं जी काम वाम तो ठीक ठाक लगा हो जेकरे में बढ़िया व्यवस्था मिली हो मोदी का नहीं बताओ कोई दिक्कत है बताओ सबके अच्छा लगा गरीब अपन वो है का नाम हम अम्मा तुहान अमर मार कर लो देखी अच्छा का केकर बढ़िया रहा मामला अभी तक केकर सरकार बढ़ी वो हमार भी हमार छोटी पार्टी है हमारे बिरादरी है साहेब और जितना वो मायावती कह दिए उतना कोई नहीं मायावती जितना कह दिए हमारे लोग को दुख सुख देखी ही और जितना वो हाथी वाला देखी ही बेटवा उतना कोई नहीं उनके जाना सही मोदी उनके मोदी है ना मोदी मोदी गल्ला करे हैं मोदी गल्ला फ्री में देते हैं अब समनिया जो ने है एक और फ्री कर रहे हैं कोरी भिड़ाई रहा है क्या भिड़ावत है नम्मा के है भिड़ावत ही है कि यहाँ 20 रुपया 15 रुपया 16 रुपया के चावल रहा हदे हुदे 1500 सुनो हदे हुदे 1500 रहा अब सोचे 26-27-28 में बा चावल है हमके देखे बेटा ये है कि छोटी पार्टी अपन है सबसे उनके बनाना हमके लोग को जरूरी बा मायावती मायावती काम कैसे करते हैं सर हो जाए कौन बढ़िया रहा अभी तक बहुत नेता हैं अखिलेश मायावती योगी इस बार तीनों पार्टी के उम्मीदवार ही हैं का लगती है केकर काम ठीक रहा बा हमारे लिए तो सब ठीक है का ठीक है ना जब रमाया होती रहीन हम लोग के पूरहीन हम लोग के सुविधा भी हर कुछ चार गल्ला सब महंगाई के दिन चाठे बाल बच्चा जी आवे के हम लोग के आपत भवा बाटे साग है सब्जी है चावल गल्ला सब महंगा बा इस साइड में न घर न द्वार मिला न खाना न पैखाना हम लोग के कुछ नहीं मिला बा तो का जाने मोदी का जाने मोदी के बहुत सबको सुविधा करे हैं यही बात बा हम लोग के कहना है पहले भी मोदी योगी से पहले मायावती भी रही मायावती सब कर रही मायावती मायावती चाउर से गल्ला से साग से सब्जी तेल में सब सहता रहा उनके उनके राज में उनके राज में सब सहता रही साइड में तो सब महंगाई हुई गवा बदगम से राशनो फ्री में देते गुंडैयो कम हो गल्ला पहुंचे नहीं है हमके तो गल्ला दे दो तीन साल हो गए हमें गल्ला बंद हो गया गल्ला नहीं मिलता है ना ये बेचार मैं लड़की है लड़की हम लोग तो खुद हम परेशान में रहते पर हो गए अरे कुल चीज देते रहे भैया अब तो कुछ नहीं देते खाली हुए 5 किलो 6 किलो चाउर और गेहूं भर देते हैं और कुछ नहीं और कुछ नहीं पहले चना देते रहे रिफाइन के तेल देते रहे दाल देते रहे चीनी हर चीज देते रहे अब तो कुल चीजें बंद कर दिए हैं अब हम लोग तो गरीब आदमी कहाँ पाए जब सबको शौचालय दिन आवास दिन कुल चीज दिन हम सब ने कुछ नहीं पाए जा जिंदगी भर तो कहीं मरई देखते है आधा चूहा था आधा जैसे दीदी कई थे नेता हैं मायावती हैं अखिलेश हैं योगी हैं सब चुनाव में लड़े वाला हैं सबकी पार्टी प्रत्याशी आ चुका है केकर काम बढ़िया लगा तो है अब के हमने बताई जब देखा ठीक लगा हो आप देखे हुए अभी तक आप देखा थी 10-15 साल से मायावती का बढ़िया रहा मायावती काम बढ़िया रहा मैं माँ देख तो सब कुल कह रहे थे बढ़िया रहा तो हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए आधी आबादी के लोग थे उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि मायावती के कार्यकाल में जो काम हुआ था जिस हिसाब से महंगाई पे कंट्रोल था और महंगाई पे कंट्रोल था उस हिसाब से मोदी और योगी की सरकार में वो महंगाई पे कंट्रोल नहीं है भले वो 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हों लेकिन जनता ये जान रही है कि अनाज फ्री में जा रहा है लेकिन महंगाई की वजह से जितनी उनकी आमदनी है वो वापस चली जा रही है किसी न किसी माध्यम से। चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि मैदान में ज्योतिबिन समाजवादी पार्टी से लड़ रही हैं, बहुजन समाज पार्टी से दीपक तिवारी लड़ रहे हैं और बीजेपी से सुचिस्मिता मौर्या मैदान में है। देखना यह होगा कि अंतिम तक कौन अपना माहौल बनाए रखता है और कौन विजयी पटाखा लहराएगा। विजयपुर से लोकल 18 के लिए मुकेश पांडे की रिपोर्ट।